सर ये आम आदमी पार्टी का जो आमरण अनशन था आज इन्होंने अनशन तोड़वाया, बताएं सर। देखिए अभी 1 फरवरी 2024 से आम आदमी पार्टी का यहाँ शाहपुर कॉम्प्लेक्स बाबा अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष इनका धरना चल रहा था, जिसमें पिछले 8 तारीख से जो लोकसभा प्रभारी हैं श्री अजय सोनी जी, इनके द्वारा इनकी जो 9 सूत्री मांगे थी उनका कहना था कि यहाँ संबंधित विभाग के सभी विभाग प्रमुख आए और हमारी बातों को यहाँ मंच पर आकर सुनें, उसके बाद ही हम अपना धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। तो विभाग के संबंधित जितने विभाग थे 8, 10, 12 विभाग, सभी विभाग के यहाँ लोग आए, सभी ने इनकी बात सुनी और सभी लोग अपनी कार्रवाई करने के लिए इनको आश्वासन दिया है, कार्रवाई चालू हो जाएगी। आज मेरे द्वारा और हमारे आदरणीय श्री संयुक्त कलेक्टर साहब द्वारा और एसटी ऑफिसर डीआई साहब ने आकर यहाँ मौके पर इनका आंसर दिलवाया। सभी बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है ठीक है सर। सोनी जिस तरह से आमरण अनशन पे बैठे थे, इन्होंने जुआ सट्टा, अवैध रेत खनन, परिवहन, अवैध रूप से शासकीय उपक्रम की यहाँ दुकानें, शराब की दुकानें, ये सब जिन मांगों को लेके, जायज़ मांगों को लेके इन्होंने अपना आमरण अनशन किया था। सारे व्यापारी भी इनके तरफ थे कि हाँ ये मांग इनकी जायज़ है, और आज इन्होंने आमरण अनशन तोड़ दिया। बहुत अच्छी मांग इनकी है, ये क्षेत्र के हित में, व्यापारियों के हित में है, इसलिए हमने भी समर्थन किया था आम आदमी पार्टी का, और शासन प्रशासन से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो उचित मांगे हैं इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर की जाए, और जो है सारा जो भी युवा सट्टा जो भी यहाँ चलता है उसे बंद कराया जाए, क्योंकि इससे छोटे छोटे बच्चों को भी खराब, छोटे छोटे बच्चों की है, ये बहुत गलत है और इस पर जो है कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर आ चुके थे, वन विभाग से भी रेंजर यहाँ आए थे, जब उन्होंने उनके समक्ष एक इन मांगों से हटकर विनोद जगताप ने एक अपनी मांग रखा, जो आपने भी उस मांग को जायज़ ठहराते हुए उस पर आपने भी अमल करने की कोशिश की थी, बंदरों का प्रकोप। इससे तो पूरी सारणी परेशान, हमने भी प्रयास किया था और बहुत सारे बंदर हमने भी पकड़े, लेकिन कुछ लोगों को उसमें आपत्ति थी इसलिए हमने रोक दिया। इस बीच में चुनाव वगैरह भी था, अभी आजकल में ही एक मीटिंग लेने वाले थे, क्योंकि विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है कि जो भी लगता है, और नगर पालिका से भी आश्वासन मिला है कि अगर कहीं कोई अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम पर्सनल सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन आप बंदरों को जो है पकड़वाएँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब टिफिन लेकर के स्कूल जाते हैं तो उसमें से जो पराठे वगैरह की सेंट आती है, उस सेंट की वजह से जो है बंदर जो है वो हमला करते हैं, और यहाँ तक मेरे घर में घुस करके मेरी अपनी मिसेज को भी बंदर ने काट दिया, हम क्या बताएंगे, परेशान है पूरे क्षेत्र। हाँ, सभी व्यापारी भी, कर्मचारी, अधिकारी सभी परेशान हैं, तो इसलिए जो है ये होना चाहिए और शासन प्रशासन तो अपनी तरफ से करे, हम आम लोगों को भी जो है साथ में मिल करके प्रयास करना चाहिए कि बंदरों को जल्द से जल्द पकड़ के कहीं दूर छुड़वाएं। अजय सोनी जी, आखिरकार आपकी ये जायज़ 9 सूत्री मांग पूर्ण होने की कगार पर है, और आपकी जिद आपको इस ओर ले गई कि डिप्टी कलेक्टर रैंक के हाथों ही मैं अपना आमरण अनशन तोड़ूंगा, तो आज आपकी वह मांग भी पूरी हो गई, और इन 9 सूत्री मांगों के लिए सभी विभाग के अधिकारी यहां पर आपके समक्ष आकर आश्वस्त हुए हैं कि हाँ, हम पूरी जायज़ मांगें आपकी पूर्ण करेंगे, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं हमारे क्षेत्र के सभी व्यापारियों का, जिन्होंने समय समय पर आकर मेरा मनोबल बढ़ाया, समय समय पर आकर उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत पड़ने पर जो है वो खड़े रहे, मेरे पार्टी के साथियों का और जो स्थानीय के पत्रकार बंधुओं ने लगातार कवरेज दिया है, उन सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि ये जो मांगे थी ये जनता से जुड़ी हुई थी, इस क्षेत्र से जुड़ी थी, व्यापारियों के हित से जुड़ी हुई थी। तो इन 9 मांगों में समस्त विभाग जो जुड़े हुए थे, चाहे MPRDC हो, चाहे MPTGCL हो, चाहे WCL हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे आबकारी विभाग हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे वो थाना हो, ये तमाम विभागों ने हमारी जो जिद थी कि हमें इन्हें सभी विभागों को ये आना ही पड़ेगा, और संबंधित जो मांगे हैं उनको जमीन स्तर पर BMO भी आए थे, संबंधित झोला छाप डॉक्टरों को लेकर, तो संबंधित सभी क्षेत्रों के डिपार्टमेंट के विभागों के अधिकारी पूर्णतः पूरे आ चुके हैं, और आज जिला कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जी के द्वारा बातचीत भी हुई है,
उन्होंने जो है जिला प्रशासन से अनिल सोनी जी जो DM हैं उनको यहाँ भेजा। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद जगताप जी और पार्टी के अन्य साथियों ने नरेंद्र सूर्यवंशी जी को कलेक्टर जी को कॉल किया। उन्होंने तत्काल जो है जिला प्रशासन से अपना हमला भेजा। उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने इस गंभीर मंच को जो है इन मांगों को उन्होंने बड़े ही गंभीरता से लिया है। मैं धन्यवाद भेजू, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जमीनी स्तर पर कार्रवाई इनको प्रशासन को करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक क्रांतिकारी मंच है। अगर ये ज़मीनी स्तर पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा ये जो आंदोलन है, ये जो लगातार विगत 12 दिनों से चला और 5 दिन से मैं अनशन पे हूँ, ये ऐसा ना हो कि संबंधित विभागों के दफ्तरों के सामने होना शुरू हो जाए। विभागों को बुलाया है और जिले के प्रशासनिक अधिकारी को भी हमने बुलाया है। उन्होंने आश्वासन दिया है सभी के सामने कि इस पर जो है जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने के लिए हम भी पत्र जारी करेंगे। हालांकि सारे विभागों ने आकर अपनी कार्रवाई शुरू करने का हमें सहमति व्यक्त कराई है। Bharat.com ने जिस तरह से लगातार जो है हमारे इस मंच में 9 सूत्री मांगों को कवरेज किया है, और अभी जो आपके द्वारा जो है कुछ यूट्यूब पे और कुछ चीज़ें डाली गई थी हमारी खुद की बात है, हमारी खुद की बाइट को, तो कुछ आपराधिक तत्वों ने शायद आपको भी मैसेज किया होगा या आपको परेशान करने का प्रयास किया होगा। बिल्कुल, हमारे पास में भी आए थे और हमें भी धमकाने का प्रयास किया, तो हम धमकने वाले नहीं हैं। हमने अरेस्ट करवा दिया उनको और अभी FIR भी उन पर करवा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपका Bharat.com का जो चैनल है उन्होंने जो हमें लगातार जो सारा यहाँ पर पूरा कवरेज किया है उसका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि लगातार जो ऐसे जनहित के मुद्दों को आपका Bharat.com जो है लगातार कवरेज करें।